तो भाई हमारी तो तैयारी, हम तब कफन बांध के सिर पर रहे ऐसे बांध ले बिल्कुल जैसे खेत में न्यार कट है और कनक कट है। भाई हम ना डरते, ना रात से डरते, ना दिन से डरते। हम मोदी धोखेबाज नहीं है कि ताली बजवा दे गुमराह करके, मोमबत्ती जलवा दे झूठ बोल के, 15 लाख खाते में गेर दे झूठ बोल के, वो तेरा बड़ा गरक हो जाए कमबख्त। मेरी माँ को रोड पे बिठा दिया, इनकी पेंशन तक भी नहीं आ रही, आज 3 महीने हो गए। दिल्ली में केजरीवाल है, उसने बेड़ा गरक कर रखा है। ये चोर चोर आरएसएस के मौसेरे भाई है। मैं हाथ जोड़ के मोदी से ये कहती हूँ, अरे समझ जा भोले किसान को लूट तो लिया, लेकिन अब भी अगर तू आके समा मांग ले मंच पे तो तेरे को मेरा भोला किसान माफ कर देगा। तू 15 लाख तो क्या गया था, तेरे जो 1000 रुपए या 600 रुपए आते थे हरियाणा के अंदर वे भी खा गया बैठ गया। जो खट्टर कंबखत यह भी अपना बेड़ा गरक कर गया, वो भी नहीं भेज रहा। ये रोजमर्रा की बात है जो हम दोहराते रहते हैं। तो पहले फतेह बुला दूं, इतनी गज के बुलाओ जो पार्लियामेंट तक पहुंच जाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे भाइयों, ये नहीं है कि कंधे से कंधा तुम्हारा किसी दूसरे से नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने पूरे हो गए और 6 महीने में 10 दिन पूरे ऊपर हो चुके हैं, 7वां महीना लग चुका है। घबराए हुए नहीं है ना, हमारा प्रसादा मुक रहा है। जो हमारा प्रसादा मुक जाएगा, हम मोदी धोखेबाज नहीं है कि ताली बजवा दें गुमराह करके, मोमबत्ती जलवा दें झूठ बोल के, 15 लाख खाते में गेर दें झूठ बोल के, वो तेरा बड़ा गरक हो जाए कमबख्त। तेने इन माओ की भी नहीं सोची, रोड पे बिठा दी मेरी माओ को, मेरी माओ को रोड पे बिठा दिया, इनकी पेंशन तक भी नहीं आ रही, आज 3 महीने हो गए। तू 15 लाख तो क्या गेर था, तेने जो 1000 रुपए या 600 रुपए आते थे हरियाणा के अंदर वे भी खा गया बैठ गया। जो खट्टर कंबखत यह भी अपना बेड़ा गरक कर गया, वो भी नहीं भेज रहा। दिल्ली में केजरीवाल है, उसने बेड़ा गरक कर रखा है। ये चोर चोर आरएसएस के मौसेरे भाई है। बताओ हाथ उठा के है या नहीं है, बताओ हाथ उठा के है या नहीं है। क्या हमें केजरीवाल जैसे को लाना है दिल्ली में? हमें किसान को बनाना है, अपने बीच के किसान को लाना है, जो आज 7 महीने से रात और दिन सर्दी में गर्मी में यहां तप रहा है। हमारी माएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे नौजवान भाई बैठे हैं। तो हमें ऐसे को बनाना है जिसने अपनी तपती गर्मी और कितने मतलब कोहरे में मतलब जो ठिठरती सर्दी में यहां अपना वक्त काटा है। हम 6 महीने से, चाहे वो नरले में बात हो और चाहे नवेडा की बात हो और चाहे बागपत की बात हो, हम अपने पिंड को छोड़ के, अपने भाइयों को छोड़ के, हम एक दिन भी अपने घर पे नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि जब 450 आदमी यहां शहीद हो गए, ये एक भाई है जो शहीद हुआ है, डॉक्टर MI राजपूत। एक कितने हमारे 450 भाई यहां शहीद हुए, इस कमबख्त मोदी ने एक भी अपने लफ्ज से, अपनी बानी से एक बार भी अफसोस करके ये नहीं बोला कि तुम्हारे जवान गए, मुझे बड़ा दुख है। मैं हाथ जोड़ के मोदी से ये कहती हूं, अरे समझ जा भोले किसान को लूट तो लिया, लेकिन अब भी अगर तू आके समा मांग ले मंच पे तो तेरे को मेरा भोला किसान माफ कर देगा, माफ कर देगा। इतने शहीद होने के बाद भी हमें पता है कि सरदार वीरों के अंदर कितना बड़ा जिगरा होता है, कितना किसानों के अंदर जिगरा होता है, कितना मुसलमानों के अंदर जिगरा होता है। जितने बुचड़खाने हैं
ये किसके हैं? ये आरएसएस के बंदों के हैं। किसी मुसलमान का बुच्चड़ खाना नहीं। बताओ हाथ उठा के, किसी सिख का है क्या? किसी वाल्मीकि का है क्या? किसी जाट भाई का है क्या? बताओ एक जना। अगर लपेटते हैं खालिस्तानी और उग्रवादी बनाते हैं ये मुसलमान और सिखों को। हम डरने वाले नहीं है। जब कनक गेर के छाती पाड़ के अपने बच्चों को अन्न उगा लेते हैं तो हमारी माओ की तुझे उस कदर का भी नहीं पता। देखो हिसार में एक को हमारी माँ को सिर में डंडा चला दिया। अरे थू तेरे नाम पे, जो खट्टर तुझे मर जाना चाहिए डूब के। जो हमारी माओ को अजवा के देख रहा, एक ही लेडी ने देखो गाड़ी को तुम्हें कंट्रोल कर लिया, तुम्हें माफी मांगनी पड़ी। तुझे नहीं, तेरी और जो जितने तेरे गुलाम थे, जो तेरे चमचे थे, उन्होंने भी मांगी, तेने भी मांगी और सिप्पी तक ने मांगी। और तो बात क्या है। तो भाई हमारी तो तैयारियां, हम तो कफन बांध गए सिर पर है। मैं कतई ऐसे बांध ले बिल्कुल जैसे खेत में न्यार कष्ट है और कनक काटते हैं। भाई हम ना डरते, ना रात से डरते, ना दिन से डरते। और मेरा काम समीम चौधरी का एक ही है कि अपने पिंडों में जाके अपनी बीबियों को लाने का काम। और मैं सभी भाइयों से और अपनी बीबियों से एक ही बात कहूं कि जितने से ज्यादा ज्यादा कंधे से कंधा लगा के मेरे वीरों का साथ दो। और बगैर कहो अपने जितने पाकिस्तान के बॉर्डर बना दे, हर बॉर्डर पे अपनी हाजिरी दो। हमें डरना नहीं है। धमकी दे रहा है कोई बात नहीं, एक मर जाएगा, दो मर जाएगा, जब 450 मर गए और भी हम शहीद होने को तैयार हैं। लेकिन हम तेरी गदड़ भबकी से डरने वाले नहीं है। कह के आ तू पीठ पे छुरा ना मार, पीठ पे सामने से मार, देख पता चले किसान क्या चीज है। तो भाई इसी साथ में मैं दो नारे लगवाऊंगी। कहने को तो बहुत कुछ है। एक सलमान खान किसान का बच्चा है, हाथ जोड़ के एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर किसान का बच्चा है सलमान खान जो बंबई में बैठा है, हीरो सलमान खान तो जना कितने, लेकिन मैं हीरो का नाम ले रही हूं, और मुसलमान का बच्चा भी है, अपने आप को किसान भी लिखता है, किसान गति भी दिखाता है वीडियो पे, तो मैं हाथ जोड़ के कह रही हूं अगर तू वाकई में किसी खान का बच्चा है तो हाथ जोड़ के बिनती कर रही हूं जितने तेरे साथी हैं तू सबको लेके इस पाकिस्तान बॉर्डर पे आके दिखा दे कि मैं भी किसान का बच्चा हूं, मैं भी किसान का बच्चा हूं। नहीं तो तुम्हें मेरे सिख भाइयों की पगड़ी का सिर पे रखने का किसी हीरो को तुम्हें कोई अनुमति नहीं मिल रही। डूब के मर जाओ जो सिखों की पगड़ी को बांध के तुम अपने आप को फतेह बुलाते हो। और अब हम कोई भी रखेगा तो इसके ऊपर हम उनके ऊपर केस करेंगे जो हमारे वीरों की पगड़ी को खुद अपने सर पे बांध के ताज को दिखाएंगे। ये हमारे भाइयों का ताज है, हमारे भाइयों के सिरों पे ताज रहेगा। फतेह करके जाएंगे, फतेह करके जाएंगे, जीतेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे लड़ेंगे और जीत के लड़ेंगे और अपने घर को जाएंगे। किसान एकता, हरियाणा पंजाब यूपी, हरियाणा पंजाब यूपी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबको मेरा सलाम, और गलत निकल गया हो तो मुझे क्षमा कर देना भाई।